तो दोस्तों कैसे हैं आप? हम आ गए अपना वादा निभाने एक और नई कहानी के साथ, जिसका शीर्षक है परमात्मा कौन। तो क्या आप जानते हैं परमात्मा कौन है? चलिए मैं बताता हूँ। आज स्कूल छूटने में देरी हो गई। सुहास के लौटने की प्रतीक्षा उसके माता पिता कर रहे थे। सुनीता आंगन में खड़ी थी, अपने भैया को लौटता देख खुशी के मारे बोल उठी, देखो मम्मी, भैया आ गया। मम्मी ने पूछा, सुहास आज इतनी देर कैसे हो गई? सुहास ने उत्तर दिया, आज हमारे मास्टर जी ने क्लास में एक चर्चा रखी थी, जिसका विषय था परमात्मा कौन। इतने में सुहास के पिताजी आ गए और उन्होंने कहा, अच्छा तो हम भी तो सुने कि आज चर्चा में क्या क्या बातें हुई। सुहास ने कहा, सबसे पहले मैं खड़ा हो गया और मैंने कहा, भगवान तो राम है, वे अयोध्या के रहने वाले थे। नीला ने कहा, हमारे घर में तो माँ दुर्गा की पूजा होती है, मैं तो समझती हूँ वही भगवान का रूप होंगी। अनिला ने कहा, अरे नहीं नहीं, भगवान तो कृष्ण है, मेरी माँ उन्हीं को ही पूछती है। रहीम खड़ा हो गया और कहने लगा, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान में बताया है कि अल्लाह नूर है, इसलिए हम मूर्ति पूजा नहीं करते। उन्होंने हमें संदेश दिया है कि हम सबको आपस भाई भाई समझ कर रहना है। मार्गरेट ने अपनी चर्चा में कहा, हमारे ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह ने कहा है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, अर्थात गॉड इज लाइट। उन्होंने हमें क्षमा, सेवा और प्रेम का संदेश दिया है। बलबीर सिंह ने कहा, हम सिखों के धर्म गुरु नानक जी ने कहा है, परमात्मा एक ओंकार सतनाम है, वह अकाल मूर्ति सदगुरु है। विमला ने कहा, हमारी जैन धर्म में अब 24 तीर्थंकर हो गए हैं, हम तो मानते हैं वही भगवान है। हमारे धर्म में कहा गया है, अगर आत्मा पुरुषार्थ करे तो वह ही परमात्मा बन सकती है। वैकुंठ राय ने कहा, मेरे पिताजी शंकराचार्य को गुरु मानते हैं, उन्होंने कहा है परमात्मा निराकार है, अद्वैत है। करण ने कहा, हम भगवान बुद्ध को मानते हैं, उन्होंने हमें मैत्री और करुणा का उपदेश दिया। राहुल ने कहा, मैंने गांधी जी की जीवनी पढ़ी थी, उन्होंने कहा है गॉड इज ट्रुथ, अर्थात सत्य ही ईश्वर है। अंत में मास्टर जी ने कहा, अब इसका जवाब तो हम कल देंगे, फिलहाल समय पूरा हुआ। सुहास ने कहा, इन सब बातों को सुनकर मेरा सिर तो चक्कर खा रहा है, असल में परमात्मा है कौन और वे कहाँ रहते हैं? सुहास की उलझन को सुलझाते हुए पिताजी ने कहा, बेटा परमात्मा तो एक ही है, सभी धर्मों के पैगंबरों ने उस एक निराकार की ओर ही इशारा किया है, हिंदू धर्म में भी उस एक की ही महिमा है। निराकार परमात्मा सर्वोपरि है, जैसा कि तुम जानते हो आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसी प्रकार उसके पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। वह सबके माता पिता बंधु सखा है, उनका कोई भी माता पिता बंधु सखा नहीं है। गायन भी है ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जैसा कि तुम जानते हो आत्मा का घर परम धाम है, उसी प्रकार परमात्मा का निवास स्थान भी परम धाम है। गायन भी है ना, ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, उस ऊंच धाम में अखंड शांति है, इसलिए उसे शांति धाम अथवा निर्वाण धाम भी कहा गया है। परमात्मा को हमारी तरह शरीर लेकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर नहीं आना पड़ता, अर्थात उन्हें सत चित आनंद कहा गया है, उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है। अगर हम ऐसे मीठे प्यारे परमात्मा को याद करें तो हम उनके ये सब गुण अपने में सहज ही उतार सकते हैं। तो दोस्तों हमारी फिर मुलाकात होगी
अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओम शांति।